हेलो गाइस, दिस इज नवनीत महंत, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं स्वीट पोटैटो वीविल की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में। स्वीट पोटैटो वीविल जो है, स्वीट पोटैटो का बहुत ही मेजर पेस्ट है, उसका मुख्य दुश्मन है। स्वीट पोटैटो जो है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है, काफ़ी लाभदायक होता है। इसमें कई प्रकार के विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये एंटी इंफ्लेमेटरी, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हेल्दी फॉर हार्ट, बूस्ट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को ही बूस्ट करता है। इसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये लंग के फंक्शन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, लीवर फंक्शन के लिए भी अच्छा होता है, और ब्लड शुगर लेवल को भी ये मेंटेन करके रखने का काम करता है। साथ साथ ये इजली डाइजेस्टेबल भी होता है, जिसको हम आसानी से पचा सकते हैं। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसका जो मुख्य पेस्ट है, वो है स्वीट पोटैटो वीविल, साइलस फॉर्मिकेरियस। साइलस फॉर्मिकेरियस ये ऑर्डर कोलियोप्टेरा फैमिली एपियोनिडी के मेंबर होते हैं। ये जो इंसेक्ट होते हैं, ये काफ़ी छोटे होते हैं, स्मॉल साइज होते हैं, जो कि इंडिया के अलावा अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, हवाई, साउथ यूएसए, वेस्ट इंडीज, साउथ अमेरिका इत्यादि देशों में पाए जाते हैं। इंडिया में ये हर जगह ये पाए जाते हैं। इंडिया के हर एक प्रांत में, हर जगह इंडिया में इस इंसेक्ट का अटैक होता है। ये जो इंसेक्ट होते हैं, स्वीट पोटैटो वीविल, ये स्वीट पोटैटो के साथ साथ मॉर्निंग ग्लोरी के जो स्पीसीज हैं, जो कि आइपोमिया स्पीसीज के ही मेंबर हैं, उन पे भी ये अटैक करते हैं। उसके साथ ही ये पोटैटो को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम बात करते हैं इनके आइडेंटिफिकेशन और लाइफ साइकिल की। तो गाइस, ये जो इंसेक्ट होते हैं, स्मॉल साइज्ड इंसेक्ट होते हैं, कोलोप्टेरॉइड बीटल, सॉरी, ये कोलोप्टेरॉइड वीविल्स होते हैं, जो कि पॉलीफेगस, सॉरी, ये जो इंसेक्ट होते हैं, स्पेसिफिक पेस्ट होते हैं स्वीट पोटैटो के। स्वीट पोटैटो के अलावा कुछ गिने चुने क्रॉप पे ही अटैक करते हैं, जैसे कि मॉर्निंग ग्लोरी के कुछ स्पीसीज पे और पोटैटो पे। हम बात करते हैं इनके एग्स की। एडल्ट फीमेल लेज एग सिंगली इन द बेस ऑफ द वाइन्स और क्राउल थ्रू क्रेक्स इन द सॉयल टू ले एग्स इन द स्टोरेज रूट्स। ये इंसेक्ट जो होते हैं, ये इनके एडल्ट फीमेल जो स्वीट पोटैटो के जो तने होते हैं, उनके वाइन्स होते हैं, उनके बेसल पोर्शन पे अपने अंडे देते हैं, या फिर ज़मीन के दरारों पे अंडे देते हैं, जिससे कि आसानी से और जल्दी से जल्दी स्वीट पोटैटो के कंद तक, उसके ट्यूबर तक पहुंच सकें। इनका जो एक का आकार होता है, यह 0.5 mm से भी कम होता है। ये द एग्स आर वाइट ओवल एंड अबाउट 0.5 mm लॉन्ग। दे आर सील्ड इन द प्रोटेक्टिव ग्रे फेसल प्लग। सेवरल हंड्रेड एग्स आर लेड ओवर अ लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 4 मंथ। ये जो इंसेक्ट होते हैं, इनके एडल्ट का जीवन चक्र लगभग 4 महीने तक चलता है। 4 महीने तक ये जो है एडल्ट के रूप में जीवित रहते हैं, तो इस दौरान ये कई सौ अंडे दे सकते हैं। इनका जो एग पीरियड है, ये 5 से 10 दिन तक, 5 से 10 दिन का होता है, जो कि अलग अलग इन्वायरमेंट कंडीशन, टेम्परेचर और वेदर के अकॉर्डिंग हो सकता है। समर के समय इनका हैचिंग जल्दी हो जाता है, 5 से 6 दिन में इनकी हैचिंग हो जाती है, जबकि विंटर के समय में, कोल्डर इन्वायरमेंट में, इनकी जो एज की हेट एक की जो हेटिंग होती है, हैचिंग होती है, वो 11 से 12 दिन में हो पाती है। इनका जो लार्वा होता है,
वो ग्रह होते हैं जिनमें पैर नहीं होते, एपोडिस होते हैं, लेगलेस होते हैं, जो वाइट कलर के होते हैं। इनका हेड ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का। और जो लार्वी होते हैं फुली डेवलप्ड होने पे 8 mm तक लंबे हो सकते हैं, जिसके पश्चात वो प्यूपा में परिवर्तित हो जाते हैं। इनके लार्वे में 3 स्टार पाए जाते हैं और इनका जो ड्यूरेशन है, टोटल लार्वल पीरियड, ये लगभग 50 से 60 दिन का हो सकता है। जो 3 अलग अलग जो ड्यूरेशन है, 3 अलग अलग जो इंस्टार हैं, उनके ड्यूरेशन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट इंस्टार जो लार्वी होते हैं, उसका फर्स्ट इंस्टार का ड्यूरेशन 8 से 16 दिन का होता है, सेकंड इंस्टार का 12 से 21 दिन, और थर्ड इंस्टार का 35 से 56 दिन का हो सकता है। प्यूपा जो है, द मेच्योर लार्वा क्रिएट्स ए स्मॉल प्यूपल चैम्बर इन द ट्यूबर ऑफ स्टेम। ये जो इंसेक्ट होते हैं, लार्वा फुली डेवलप्ड होने पे, क्योंकि ये जो इंसेक्ट होते हैं वो ट्यूबर को डैमेज करते हैं, ट्यूबर पे फिट करते हैं, ट्यूबर के अंदर बोर करके, जहाँ ये पूरा डेवलप करते हैं, और फुली डेवलप होने पे ट्यूबर या स्टेम के अंदर ही प्यूपेशन में चले जाते हैं, प्यूपा बनाते हैं। द मेच्योर लार्वा क्रिएट्स ए स्मॉल प्यूपा चैम्बर प्यूपल चैम्बर इन द ट्यूबर और स्टेम। द प्यूपा इज सिमिलर टू द एडल्ट इन अपेयरेंस। प्यूपा जो है एडल्ट के समान ही दिखाई देता है, बट इनका हेड और इलाइट्रा बैंड होते हैं। इन ऑल दो द हेड एंड इलाइट्रा आर बैंड वेंट्रली, द प्यूपा मेजर्स इज अबाउट 6.5 mm इन लेंथ। इनिशियली द प्यूपा इज वाइट, बट द टाइम दिस स्टेज बिकम्स ग्रेस इन कलर विथ डार्कर आइज एंड लेग्स। ये जो इंसेक्ट होते हैं, इनका प्यूपा स्टार्टिंग में वाइट कलर होते हैं, धीरे धीरे उनका जो प्यूपा का कलर है वो चेंज होने लगता है, डार्क होने लगता है, और लेटर ये ब्राउन, ग्रे ब्राउन से ब्लैक कलर में चेंज हो जाते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द प्यूपल स्टेज इज अबाउट 7 to 10 days, बट इन कूल वेदर इट मे बी एक्सटेंडेड अप टू 28 days। जैसे मैंने पहले बताया कि इनका जो लाइफ साइकिल है, इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। वार्म कंडीशन में, समर सीजन में, इनका जो लाइफ साइकिल 7 से सॉरी इनका जो प्यूपल स्टेज 7 से 10 दिन में कंप्लीट होता है, और विंटर के समय 28 दिन तक इनका प्यूपल स्टेज होता है। एडल्ट वीवल जो होते हैं बहुत ही छोटे चींटी के समान दिखाई देते हैं, जिनका आकार लगभग 5 से 7 mm का हो सकता है। दैट मीन्स आधा सेंटीमीटर का इनका आकार हो सकता है, विथ अ स्मूथ एंड स्लेंडर बॉडी एंड स्नाउट। क्योंकि जो इंसेक्ट होते हैं, विबिल्स होते हैं, इनके स्नाउट्स पाए जाते हैं, मुंह जो माउथ पार्ट जो होते हैं, स्नाउट के समान स्ट्रक्चर होता है, चोंच के समान। देयर हेड एंड रेयर आर मेटेलिक ब्लू और ब्लैक, एंड देयर मिडिल लेग्स एंड एंटीनी आर रेड। इनके जो लेग्स और एंटीनी होते हैं वो रेड होते हैं। द एडल्ट कैन लिव ओवर 200 days इफ प्रोवाइडेड विथ फूड एंड अबाउट 30 days इन इफ स्टार्व। इनके फूड के अवेलेबिलिटी और इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग इनकी लाइफ साइकिल डिपेंड करती है, जो कि 30 से 200 दिन तक चल सकता है। डैमेजिंग सिम्टम्स एंड नेचर। अगर सिम्टम्स की बात करें तो थिकनिंग एंड मालफॉर्मेशन ऑफ वाइन्स एंड ऑफन क्रैकिंग ऑफ द टिश्यू। चूँकि ये जो इंसेक्ट होते हैं ट्यूबर के अंदर में फीड कर रहे होते हैं, तो इसलिए उसके टिश्यू क्रेक्ड दिखाई देते हैं, बाहर से ही आसानी से समझ में आता है। डिस्कलरेशन, क्रेकिंग और विल्टिंग ऑफ डैमेज्ड वाइन्स। जो वाइन्स होते हैं डैमेज्ड वाइन्स, उनमें क्रैक्स दिखाई देते हैं, उनमें विल्टिंग्स दिखाई देते हैं। एन इन्फेस्टेड ट्यूबर इज ऑफन रिडल्ड
with cavities of or tunnels. Attacked tubers become spongy, brownish to blackish in appearance. जो अटैक्ड ट्यूबर्स होते हैं उनका बाहरी हिस्सा भी स्पॉन्जी हो जाता है, क्योंकि उसकी गूदा को पल्प को ये पूरा खा जाते हैं. स्टार्ट रोटिंग फ्रॉम द टॉप एंड डेवलप द एन अनप्लीजेंट स्मेल. चूँकि जो इंसेक्ट होते हैं ये खा के अपना एक्सक्रीटा वहीं छोड़ते हैं, तो इस वजह से जो ट्यूबर होते हैं वो पूरी तरह से सड़ जाते हैं, और जिस वजह से बहुत ही अनप्लीजेंट स्मेल आने लगता है और ये खाने योग्य भी नहीं रह जाता. अब बात करते हैं इनके मैनेजमेंट की. ये जो इंसेक्ट होते हैं इनके मैनेजमेंट के लिए जो प्रीवियस स्वीट पोटैटो क्रॉप के जो रेसिड्यू होते हैं, प्रीवियस क्रॉप के रेसिड्यू होते हैं, उन्हें नष्ट कर देना चाहिए. उसके अलावा अल्टरनेट होस्ट जैसे आइपोमिया स्पीसीज के जो अलग प्लांट्स होते हैं, आइपोमिया स्पीसीज के जो और प्लांट्स होते हैं, कॉर्नवॉलबुलेसी फैमिली के जो और प्लांट्स होते हैं, मॉर्निंग ग्लोरी जो फ्लावर्स हैं आसपास से डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए. मल्च विथ लीफ ऑफ क्रोमोलेना डोरमेट्स. कुछ मल्च हम मल्चिंग का यूज़ करना चाहिए. स्वीट पोटैटो ट्यूबर को हम ट्रैप के रूप में यूज़ कर सकते हैं फील्ड के चारों तरफ. उनको हम पॉइजन बेट के लिए हम मोनोक्रोटोफास का यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम स्वीट पोटैटो ट्यूबर को कट करके, स्वीट पोटैटो ट्यूबर को कट करके उसको मोनोक्रोटोफास से डिप करके हम फील्ड के बाहर रख सकते हैं, जो कि इनके लिए बेट ट्रैप का काम कर सकता है, पॉइजन बेट का काम कर सकता है. हार्वेस्ट इमिजिएटली आफ्टर मैच्योरिटी. मैच्योरिटी के तुरंत बाद हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए. आज के लिए गाइस बस इतना ही. थैंक यू.